Good morning, dear students. Today we are going to start with the next chapter, that's a periodic table. तो periodic table आपने lower classes में भी 9th में like 10th में थोड़ा थोड़ा पढ़ा हुआ है. तो यहाँ पे एक layout मैंने बना दिया है periodic table का, तो आपको इसको understand करने में easier होगा. और ये फिगर भी मैं आपको सेंड करूंगा. वैसे तो आपके उसमें दी होती हैं बुक्स वगैरह में भी, लेकिन कईयों के पास अगर बुक्स नहीं है तो आप यहाँ से रेफ़र कर सकते हैं. तो पीरियोडिक टेबल में बहुत सारे एलिमेंट्स हैं, लाइक 118 एलिमेंट्स हैं. तो इनके नाम कैसे लर्न करने हैं ये एक बहुत बड़ी समस्या रहती है, लेकिन आई विल गिव यू द शॉर्टकट टिप्स इन द कमिंग लेक्चर्स सो दैट यू कैन रिमेंबर names of these 118 elements. वैसे तो 118 elements याद करने की ज़रूरत भी नहीं होती, लेकिन ये slowly and gradually plus one और plus two में सारा periodic table ही हमारा inorganic chemistry में cover हो जाता है, तो ये नाम आ ही जाते हैं. तो सबसे पहले मैं आपको periodic table में ये बताना चाहूँगा कि periodic table में हमारे पास टॉप टू बॉटम वर्टिकल कॉलम्स होते हैं, ठीक है? टॉप टू बॉटम वर्टिकल कॉलम्स होते हैं और ये 18 है. देखिए 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. तो ये 18 कॉलम्स हैं, वर्टिकल कॉलम्स हैं, जो कि आप देख सकते हैं ऊपर से नीचे वर्टिकल कॉलम्स, और लेफ्ट टू राइट हॉरिजेंटल रोज हैं जिनको पीरियड्स कहा जाता है. अच्छा, उससे पहले शायद मैंने बताया नहीं कि जो टॉप टू बॉटम है ऊपर से नीचे जो वर्टिकल कॉलम्स हैं 18, इनको ग्रुप्स कहते हैं. तो इसमें मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में 18 ग्रुप्स होते हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 लाइक 18 तक ग्रुप्स होते हैं ऊपर से नीचे. इनको ग्रुप्स के अलावा आप इनको फैमिलीज भी कह सकते हैं, ठीक है? और लेफ्ट टू राइट जब हम जाएंगे, ये देखिए लेफ्ट टू राइट जाएंगे, ये हाइड्रोजन है, ये हीलियम है, तो ये हमारा लेफ्ट टू राइट पीरियड होता है. इनको हॉरिजेंटल रोज कहते हैं. तो ये फर्स्ट जो पीरियड है इसमें सिर्फ दो ही एलिमेंट्स हैं, एक हाइड्रोजन है और एक क्या है, हीलियम है. फिर हमारे पास सेकंड पीरियड है, इसमें लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन, इसमें 8 एलिमेंट्स प्रेजेंट हैं. थर्ड पीरियड है, इसमें सोडियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, सिलिकॉन, फॉस्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, आर्गन, इसमें भी 8 एलिमेंट्स होते हैं. फोर्थ पीरियड में जो है हमारे पास पोटाशियम, कैल्शियम, स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैंगनीज, आयरन, कोबाल्ट, निकल, कॉपर, जिंक, देन वी हैव गैलियम, जर्मेनियम, आर्सेनिक, सिलीनियम एंड देन ब्रोमीन एंड क्रिप्टॉन, 18 एलिमेंट्स होते हैं. फिफ्थ पीरियड में भी 18 एलिमेंट्स होते हैं और सिक्स पीरियड में 32 एलिमेंट्स होते हैं. तो आप कहेंगे 32 एलिमेंट्स तो नज़र नहीं आ रहे, 18 ही नज़र आ रहे हैं. वेल, यहाँ पे एटॉमिक नंबर 55 है, 56 है, 57 है. 57 मैंने बड़ा करके लिखा, ऊपर स्टार भी लगाया हुआ है. 57 के बाद 72 है, 14 एलिमेंट्स मिसिंग है. उन 14 एलिमेंट्स को मेन बॉडी ऑफ पीरियोडिक टेबल में, ये मेन बॉडी है पीरियोडिक टेबल की, मेन बॉडी ऑफ पीरियोडिक टेबल में जगह नहीं मिली और उनको हम 14 एलिमेंट्स को पीरियोडिक टेबल की मेन बॉडी के नीचे रखते हैं और इनको लेंथेनॉइड्स कहते हैं. और यहाँ पे जो एलिमेंट्स होते हैं उनके एटॉमिक नंबर 58 से लेके 71 तक होते हैं. तो जैसे ही 71 यहाँ पे ख़त्म होता है तो देन वी गो टू 72, दैट इज हाफेनियम. गॉट इट? तो इसमें सिक्स पीरियड में हमारे पास 32 एलिमेंट्स हैं. सेवन्थ पीरियड जो है
ये थोड़ा सा मतलब इनकम्प्लीट है, लाइक पूरे के पूरे एलिमेंट्स अभी डिस्कवर नहीं हुए, लेकिन फिर भी मैं आपको बताना चाहूँगा कि 7th पीरियड में यहाँ पे एटॉमिक नंबर 87 है, 88 है, ये 89 बोल्ड करके लिखा हुआ है, फिर उसके बाद 90 होना चाहिए था पर 104 है, ठीक है? तो इसका मतलब 90 से लेके 103 तक एलिमेंट जो है, 14 एलिमेंट्स, उनको भी 7th पीरियड में जगह नहीं मिली, उनको मेन बॉडी ऑफ पीरियोडिक टेबल के नीचे रखा गया है, लेंथेनॉइड्स के नीचे एक्टिनॉइड्स, और इनको इनमें जो एलिमेंट्स होते हैं उनके एटॉमिक नंबर 90 से लेके कहाँ तक होते हैं, 103 तक होते हैं, ठीक है बच्चा? यहाँ तक क्लियर हो गया आपको? ठीक है, तो ये पीरियोडिक टेबल का मेन लेआउट था, जो आपको पहले जरूर पता होना चाहिए कि पीरियोडिक टेबल की बॉडी एग्जैक्टली कैसी होती है। पीरियोडिक टेबल में ऊपर से नीचे यानी कि वर्टिकल कॉलम्स, या जिनको ग्रुप्स भी कहते हैं या जिनको फैमिलीज भी कहते हैं, 18 होती हैं, 1, 2, 3, फिर 4, 5, 6 देखिए नीचे, 7 देखिए नीचे, 8 देखिए नीचे तक, 9, 10 नीचे तक, 11 नीचे, 12 नीचे, 13 नीचे तक, 14 नीचे, 15 भी नीचे तक जाइए, 16 भी नीचे तक, 17 भी नीचे तक, और 18 भी नीचे तक। लग गया समझ? तो लेकिन 6th और 7th पीरियड में खास बात क्या थी? 6th पीरियड में जो एटॉमिक नंबर 57 है लैंथेनम का, एल ए नज़र आ रहा है ना, एल ए, लॉस एंजलस नहीं है ये, लैंथेनम है 57, उसके बाद हाफेनियम है 72, 14 एलिमेंट्स मिसिंग है, वो पीरियोडिक टेबल के नीचे हैं, उनको लैंथेनॉइड सीरीज कह दिया गया, लैंथेनम के नाम से दे आर कॉल्ड एज लैंथेनॉइड सीरीज। इनको 4F सीरीज भी कहते हैं क्योंकि इनमें इलेक्ट्रॉन जो है 4F ऑर्बिटल में एंटर करते हैं, ठीक है? इनको 4F सीरीज भी कहते हैं, वैसे वे 6th पीरियड का ही पार्ट है, लैंथेनाइड जो है 6th पीरियड का ही पार्ट है, ओके? इसी तरह से 7th पीरियड के बारे में फिर से बता दूं, ये जो AC है ये एयर कंडीशन नहीं है, ये एक्टिनियम है, अटोमिक नंबर 89 है, उसके बाद रदरफोर्डियम है 104, यानी 90 से लेके 103 तक एलिमेंट जो है वो इसमें मिसिंग है, वो नीचे चले गए, उनको एक्टिनॉइड्स कह दिया गया, और इसमें एटॉमिक नंबर 90 से लेके 103 तक एलिमेंट्स होंगे, यानी 14 एलिमेंट्स होंगे, यानी कि लैंथेनॉइड्स में भी 14 एलिमेंट्स होते हैं और उसमें इलेक्ट्रॉन 4F ऑर्बिटल के अंदर एंटर करते हैं, और एक्टिनॉइड्स में भी 14 एलिमेंट होते हैं और इसमें इलेक्ट्रॉन जो है 5F ऑर्बिटल के अंदर एंटर करते हैं, तो लैंथेनाइड को 4F सीरीज कह देते हैं और एक्टिनाइड को 5F सीरीज भी कह देते हैं, और चूंकि इनमें इलेक्ट्रॉन F ऑर्बिटल में, इनमें मतलब लैंथेनाइड्स और एक्टिनॉइड सीरीज में इलेक्ट्रॉन जो है 4F और 5F में एंटर करते हैं, तो इनको F ब्लॉक एलिमेंट्स भी कहा जाता है। यहाँ तक आपको क्लियर हो गया बच्चा? अच्छा, अब मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो ग्रुप 1 और ग्रुप 2 है इनको S ब्लॉक एलिमेंट कहा जाता है, दे आर कॉल्ड एस S ब्लॉक एलिमेंट, क्योंकि जब भी आप इनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखोगे तो इनका जो लास्ट इलेक्ट्रॉन है वो S ऑर्बिटल में एंटर करेगा, जैसे हाइड्रोजन एटॉमिक नंबर 1, 1s1, तो लास्ट इलेक्ट्रॉन किस में एंटर कर रहा है? S ऑर्बिटल में एंटर कर रहा है, तो डेफिनेटली इनको S ब्लॉक एलिमेंट कहते हैं। चलो कोई और ले लेते हैं, बेरिलियम ले लेते हैं, इसका एटॉमिक नंबर 4 होता है, तो इसकी कॉन्फ़िगरेशन क्या हुई? 1s2, 2s2, ओके, 1s2, 2s2, तो लास्ट इलेक्ट्रॉन किस में एंटर करा? S में, S ऑर्बिटल में एंटर करा, तो जब इलेक्ट्रॉन S ऑर्बिटल में एंटर करते हैं दे आर कॉल्ड एज S ब्लॉक एलिमेंट। तो
तो ग्रुप नंबर वन एंड टू जो है उनको एस ब्लॉक एलिमेंट कहा जाता है, ग्रुप नंबर थ्री से लेके 12 तक जो है उनको डी ब्लॉक एलिमेंट्स कहा जाता है, क्योंकि इनमें इलेक्ट्रॉन जो लास्ट इलेक्ट्रॉन है वो डी ऑर्बिटल में एंटर करता है, तो दे आर कॉल्ड एज डी ब्लॉक एलिमेंट्स। तो ग्रुप नंबर 13 से लेके 14, 15, 16, 17, 18 लास्ट इलेक्ट्रॉन जो है पी ऑर्बिटल में एंटर करता है, तो इनको पी ब्लॉक एलिमेंट्स कहा जाता है। हालांकि इसमें एक एक्सेप्शन है हीलियम की, हीलियम का एटॉमिक नंबर 2 है, इसकी कॉन्फ़िगरेशन 1s2 है, इसमें कोई भी इलेक्ट्रॉन पी ऑर्बिटल में एंटर नहीं करता, पर बावजूद उसके इसको पी ब्लॉक ग्रुप में ही रख पी ब्लॉक फैमिली में ही या पी ब्लॉक एलिमेंट्स में ही रखा गया, क्योंकि हीलियम एक नॉबल गैस है और इसके नीचे भी सारी नॉबल गैसेस हैं। मैं ग्रुप नंबर 18 की नॉबल गैसेस के नाम एक बार बताऊँ आपको, हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, ज़ीनॉन, रेडॉन, राइट, ओके ओके। तो नीचे एफ ब्लॉक एलिमेंट्स हैं, इनके बारे में आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू कि एफ ब्लॉक एलिमेंट्स आर दोज एलिमेंट्स इन विच लास्ट इलेक्ट्रॉन एंटर इनटू एफ ऑर्बिटल, तो उनको हम क्या कहते हैं, एफ ब्लॉक एलिमेंट्स कहते हैं। आई एम श्योर दिस इज क्लियर टू यू, एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक और एफ ब्लॉक का कंसेप्ट आपको क्लियर हो गया होगा। एक बार फिर से बता दूं, ग्रुप नंबर 1 और 2 जो है उनको एस ब्लॉक एलिमेंट कहते हैं, क्योंकि उनका लास्ट इलेक्ट्रॉन एस ऑर्बिटल में एंटर करता है। ग्रुप नंबर 13 से लेके 18 तक हीलियम को छोड़ के लास्ट इलेक्ट्रॉन पी ऑर्बिटल में एंटर करता है, तो इनको पी ब्लॉक एलिमेंट्स कहा जाता है। ग्रुप नंबर 3 से लेके 12 तक, 3 से लेके 12 तक लास्ट इलेक्ट्रॉन जो है डी ऑर्बिटल में एंटर करता है, तो इनको डी ब्लॉक एलिमेंट कहा जाता है। और नीचे जो लेंथेनॉइड और एक्टिनॉइड्स हैं इनमें लास्ट इलेक्ट्रॉन एफ ऑर्बिटल में एंटर करता है, तो इनको हम क्या कहते हैं, एफ ब्लॉक एलिमेंट्स कहते हैं। एक चीज़ आपने देखी होगी कि डी ब्लॉक के साथ ट्रांजिशन एलिमेंट्स भी लिखा हुआ है, तो ट्रांजिशन एलिमेंट की डेफिनेशन आगे चल के तो नोट्स में मिली जाएगी आपको, लेकिन अभी मैं बता दूं कि ऐसे एलिमेंट जिनमें डी ऑर्बिटल फिल हो रहा होता है उनको ट्रांजिशन एलिमेंट कहते हैं। तो उसके हिसाब से जो ग्रुप नंबर 12 है, जिंक, कैडमियम, मरकरी, इनमें डी में ऑलरेडी 10 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं, तो इनमें डी ऑर्बिटल फिल नहीं हो रहा होता, ऑलरेडी फुली फिल्ड होता है, तो ग्रुप नंबर 12 को ट्रांजिशन एलिमेंट नहीं कहते, इसको नॉन ट्रांजिशन एलिमेंट कहा जाता है। ग्रुप नंबर 12 को नॉन ट्रांजिशन एलिमेंट कहा जाता है, ठीक है। अच्छा, अब ट्रांजिशन एलिमेंट के बारे में मैंने क्या बताया, ट्रांजिशन एलिमेंट ऐसे एलिमेंट हैं जिनकी ग्राउंड स्टेट में मतलब नॉर्मल स्टेट में डी ऑर्बिटल फिल हो रहा होता है, या उनकी सबसे कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट यानी कि जो उनकी कैटायनिक फॉर्म सबसे कॉमन होती है, जैसे कॉपर 2+ हो गया, जैसे निकल 2+ हो गया, तो जो सबसे कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट या सबसे कॉमन कैटायनिक फॉर्म होती है उसमें अगर डी ऑर्बिटल में 10 से कम इलेक्ट्रॉन है या डी ऑर्बिटल पूरी तरह से फुली फिल्ड नहीं है, उनको ट्रांजिशन एलिमेंट कहा जाता है। तो ग्रुप नंबर 3 से लेके 11 तक सारे ट्रांजिशन एलिमेंट होते हैं, इनमें डी ऑर्बिटल इज बीइंग फिल्ड, ठीक है, बट ग्रुप नंबर 12 ऑलरेडी हैव फुली फिल्ड डी ऑर्बिटल, सो इट कैन नॉट बी कॉल्ड एज ट्रांजिशन एलिमेंट, इट इज कॉल्ड एज नॉन ट्रांजिशन एलिमेंट, बट दे आर डेफिनेटली कॉल्ड एज डी ब्लॉक एलिमेंट्स, ओके। अच्छा, तो लेंथेनॉइड्स के आगे क्या नजर आ रहा है आपको, फर्स्ट इनर ट्रांजिशन सीरीज। एक्टिनॉइड के सामने क्या नजर आ रहा है, सेकेंड इनर ट्रांजिशन सीरीज। अब इनको फर्स्ट इनर ट्रांजिशन सीरीज और सेकेंड इनर ट्रांजिशन सीरीज क्यों कहा गया, तो ये मैंने बताया कि ग्रुप 3 से लेके 11 तक ट्रांजिशन सीरीज है।
अब लेंथेनम और हाफेनियम के बीच में लेंथेनॉइड सीरीज है, तो जब ट्रांजिशन सीरीज के अंदर एक और सीरीज है तो दैट शुड बी कॉल्ड एज व्हाट, इनर ट्रांजिशन सीरीज, क्योंकि ये लेंथेनम और हाफेनियम के बीच में पहली बार हुआ है तो दैट इज कॉल्ड एज फर्स्ट इनर ट्रांजिशन सीरीज। सिमिलरली एक्टिनियम और रदरफोर्डियम के बीच में एक्टिनॉइड सीरीज है, ये दूसरी बार हुआ है और आखिरी बार हुआ है तो दैट इज कॉल्ड एज सेकेंड ट्रांजिशन सीरीज। आई होप यू अंडरस्टैंड दिस। तो ये पीरियोडिक टेबल का लेआउट था। अभी इसके हम करेक्टरिस्टिक्स भी पढ़ेंगे, लेकिन पर सबसे पहले आपको ये जो है पीरियोडिक टेबल अच्छी तरह से गो थ्रू करना है। अच्छा, एक चीज़ और मैं बताना चाहूँगा कि लेफ्ट टू राइट एटॉमिक नंबर इंक्रीज करते हैं। हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 है, हीलियम का एटॉमिक नंबर 2 है, फिर लिथियम का 3, बेरिलियम का 4, बोरोन का 5, कार्बन 6, नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर 7, ऑक्सीजन का 8, फ्लोरीन का 9, नियोन का 10, फिर से 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18। कई बार कई जगह पे नीचे जगह नहीं मिली तो मैंने ऊपर 18 लिख दिया है, तो ये एटॉमिक नंबर ही इसमें बताए हुए हैं, क्योंकि जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है इट्स बेस्ड अपॉन द एटॉमिक नंबर। ठीक है, एक पहले मेंडलीफ ने भी पीरियोडिक टेबल दिया था, वो मासेस के ऊपर बेस्ड था, लेकिन दिस इज बेस्ड अपॉन एटॉमिक नंबर। चलो, आर्गन पे थे हम, तो इसका एटॉमिक नंबर 18 है, उसके बाद 19 पोटाशियम, फिर 20 कैल्शियम, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 7, 28, 29, 30, 31, 32, 3, 34, 35, 36। यानी कि एटॉमिक नंबर कॉन्टिन्यूसली लेफ्ट टू राइट क्या कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है। 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54। नाउ यू कैन इमेजिन कि लेफ्ट टू राइट एटॉमिक नंबर क्या कर रहे हैं, इंक्रीज कर रहे हैं। तो इसकी जो टोटल कैपेसिटी है 118 एलिमेंट्स तक की है, जो ये मॉडर्न पीरियोडिक टेबल आजकल पढ़ाया जाता है। बाकी हम इसे एक्सपैंड तो कर लेंगे या कर सकते हैं, ये डिपेंड करता है कि हमें नए एलिमेंट्स मिलते हैं। अच्छा, ठीक है, अब मुझे बताइए कि एस ब्लॉक एलिमेंट्स क्या होते हैं। एस ब्लॉक एलिमेंट्स आर दोज एलिमेंट इन विच लास्ट इलेक्ट्रॉन एंटर इनटू एस ऑर्बिटल। डी ब्लॉक एलिमेंट्स क्या होते हैं, आर दोज एलिमेंट इन विच लास्ट इलेक्ट्रॉन एंटर इनटू डी ऑर्बिटल्स। पी ब्लॉक एलिमेंट्स क्या होते हैं, आर दोज एलिमेंट इन विच लास्ट इलेक्ट्रॉन एंटर इनटू पी ऑर्बिटल। एफ ब्लॉक एलिमेंट्स क्या होते हैं, आर दोज एलिमेंट इन विच लास्ट इलेक्ट्रॉन एंटर इनटू पी ऑर्बिटल। ट्रांजिशन एलिमेंट क्या होते हैं, आर दोज एलिमेंट इन विच इन देयर ग्राउंड स्टेट और इन देयर कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट डी ऑर्बिटल इज बीइंग फिल्ड। डी ऑर्बिटल भर रहा होता है ग्राउंड स्टेट में, यानी कि उनकी नॉर्मल स्टेट में, या कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट में, यानी कि जो उनकी सबसे ज़्यादा कॉमन कैटायनिक फॉर्म होती है। ठीक है, तो उसमें अगर डी ऑर्बिटल में एक से लेके नौ तक कितने भी इलेक्ट्रॉन होते हैं, एक से लेके नौ तक होने चाहिए, तो उनको दे विल बी कॉल्ड एज ट्रांजिशन एलिमेंट। ग्रुप नंबर 12 इज नॉट कॉल्ड एज ट्रांजिशन एलिमेंट, दे आर ग्रुप नंबर 12 एलिमेंट्स आर कॉल्ड एज नॉन ट्रांजिशन एलिमेंट्स बिकॉज ऑफ द रीजन देयर डी ऑर्बिटल इज ऑलरेडी फुली फिल्ड। ठीक है, तो इनके नाम भी आपको याद कराऊंगा मैं, जैसे फर्स्ट है तो हाय लीना ने की रब से फरियाद, हाय हाइड्रोजन, लीना लिथियम, ने सोडियम की पोटाशियम, रब रुबीडियम, से सीजियम, फरियाद फ्रांसियम। तो इस तरह से आप याद कर सकते हैं। मैं अभी आपको इसके नोट्स दूंगा, उसमें ये लिखा होगा, लेकिन मैं भी गो थ्रू करके बता देता हूँ। ग्रुप नंबर 1 कैसे याद करना है, हाय लीना ने की रब से फरियाद। ग्रुप नंबर 2, बेबे मरगी क्या सर भारा। ग्रुप नंबर 3, स्कॉटलैंड यार्ड इन लॉस एंजलस।
ग्रुप नंबर 4 टीना जरा हाफी राफी, ग्रुप नंबर 5 वे नवाब तारागढ़ के, ग्रुप नंबर 6 क्रोमो, ग्रुप नंबर 7 मंजीतो टकरी, ग्रुप नंबर 8 फिरोज, ग्रुप नंबर 9 कोरा इन आयरलैंड, ग्रुप नंबर 10 नेशनल पावर प्लांट, ग्रुप नंबर 11 तांबा चांदी सोना, ग्रुप नंबर 12 जिंक कैडमियम मर्करी. यू कैन रिमेंबर इट लाइक दिस. ग्रुप नंबर 13 बल जिंटल बोरोन एल्युमिनियम गैलियम इंडियम थैलियम बल जिंटल. देन ग्रुप नंबर 14 कॉलेज स्टूडेंट गॉट सम प्रॉब्लम कार्बन सिलिकॉन जर्मेनियम टिन लेड. ग्रुप नंबर 15 एन फाबी नाइट्रोजन फास्फोरस आर्सनिक एंटीमनी बिस्मिथ. ग्रुप नंबर 16 ऑक्सीटीपो ऑक्सीजन सल्फर सिलीनियम टेलूरियम पोलोनियम. ग्रुप नंबर 17 सबको पता होता है हैलोजन्स में आए फुलरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन एस्ट्रॉटिन. ग्रुप नंबर 18 दे आर नॉबल गैसेस हीलियम नियॉन आर्गन क्रिप्टॉन ज़ीनॉन रेडॉन. तो सारा कुछ एक ही लेक्चर में तो नहीं बताया जा सकता, बट जितना मैंने बताया उतना पहले मेमोराइज करने की कोशिश ज़रूर कीजिए. आई एम श्योर दिस इंफॉर्मेशन विल बी वेरी वेरी यूजफुल टू यू. थैंक यू.